अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद करीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लेनेट। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी तमाम खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है न्यू व्यूवर्स से, जो मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिंचेस की सीड के हवाले से। जो हम सीड इनको देते हैं स्पेशली फॉर विंटर, तो आज मैंने इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ अलसी। ये अलसी के बीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये अलसी के बीज हैं, ठीक है जी। आज हम जो है ऐसी अलसी जो सी है ये कंगनी में मिक्स करने जा रहे हैं। मैं कंगनी देता हूँ अपनी फिंचेस को, और किसी भी किस्म की आप कंगनी दे सकते हैं। अगर आप मिक्स कंगनी दे सकते हैं तो आप मिक्स कर लें, लाल कंगनी, देसी कंगनी, और देसी काइंडली आप वो यूज़ करें जो वाइट होती है, वाइट वाली कंगनी आप दें, क्योंकि वाइट वाली कंगनी जो सी है ये मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि मैंने इसमें एवियन के कैप्सूल ऐड किए हैं, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप जिस जिस तरह मौसम ठंडा होता जा रहा है उस मौसम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसमें चीज़ें ऐड करता जा रहा हूँ। लास्ट मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी, उसमें मैंने एवियन के कैप्सूल जो उनसे हैं वो यूज़ किए थे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी भी कैप्सूल जो उनसे हैं वो बीच में ही रखे हुए मैंने पड़े हुए हैं, वो ठीक हो गया। ये देखें जी, ये एवियन का कैप्सूल है और ये कंगनी आपके सामने है। देखिए, इसमें भी थोड़ा सा लिक्विड बाकी था जिसकी वजह से मैंने निकाला नहीं, इसी वजह से मैं इनको बीच में रख देता हूँ। तो ये देखें जी, ये है जी वाइट कंगनी देसी, ठीक है। इसमें एक देसी कंगनी आती है डार्क ब्राउन कलर में, वो फिंचेस उनसे इतने शौक से नहीं खाती हैं। और फिंचेस याद रखिएगा कि इनको जितनी आप सॉफ्ट गिज़ा देंगे, सॉफ्ट सीड देंगे, ये उतना ही अच्छा जो है बच्चों की भराई करती हैं, बच्चे अच्छे जो हैं वो उनको फीड करवाती हैं, तो बच्चे हेल्दी आपके पास पलते हैं, ठीक हो गया, वरना एक्सपायरी की रेशो ज़्यादा हो जाएगी आपके पास। तो ये देखें, मैं जो है इनको वाइट देसी कंगनी यूज़ करवाता हूँ सिर्फ। अगर आप मिक्स यूज़ करवाना चाहते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसमें आप देसी लाल कंगनी जो सी आप लाल कंगनी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इस तरह का इशू नहीं है। अब आज जो है हम इसमें इसमें मिक्स करने जा रहे हैं वेदर डिमांड पे अलसी, ठीक हो गया। आप किसी भी बर्ड्स वाली शॉप पे जाएं, जो कबूतरबाज मेरे दोस्त हैं उनको तो पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है, ये बहुत आउट क्लास किस्म की चीज़ है, अक्सर कबूतरों को दी जाती है ये सर्दियों में, और आप उनको सर्दियों में इतना कवर नहीं भी करेंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कबूतरों को। उनको अलसी और मोड होता है वो दिया जाता है, अलसी बहुत गर्म चीज़ है। और ये जो है इसकी क्वांटिटी में अभी आपको बताता हूँ, आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है आपने। ये बहुत बहुत गर्म चीज़ है, ये जो है तिल टाइप होगी, ठीक है। ये देखें, ये तिल टाइप है, आप किसी भी जो है वो बर्ड्स वाली शॉप से आप जाके ले सकते हैं। देखिए इसमें शाइन देखें, ये कबूतरों को उस टाइम दी जाती है स्पेशली जब कबूतरों को बाजी के लिए उनके पर खींचे जाते हैं, ठीक है, तो ये उस टाइम उनको दी जाती है। इससे बर्ड में शाइनिंग, उसके फीदर्स में शाइनिंग, अंदर से बर्ड स्ट्रांग होता है, हेल्दी रहता है बर्ड को जो है ये मौसम की जो हवाएँ होती हैं थोड़ी बहुत जो ठंडी होती हैं ये उस पर असर नहीं करती। लेकिन आपने फिंचेस पे ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फिंचेस को आपने डायरेक्ट हवा से बचाना है। फिंचेस को ठंडी हवा या गर्म हवा डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए, और फिंचेस को जहाँ पे आपको गर्म हवा लगेगी या ठंडी हवा डायरेक्ट लगेगी तो आपकी फिंचेस जो है वो एक्सपायर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हम इसमें मिक्स करते हैं, इंशाल्लाह एक दो वीडियोस में और बनाऊंगा, जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि शेयर करूंगा साथ साथ कि इसमें किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है आपने, मैं अभी आपको दिखाता हूं जी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे पास एक पॉट है, छोटा वाला पॉट है ये, जिसके अंदर मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ। तो मेरे पास सभी स्केल नहीं था, जिसकी वजह से मैं आपको सिर्फ आइडिया से बता सकता हूँ।
ये देखिए, ये वो पॉट है जिसमें मैं अपनी फिंचिस को सो एग फूड देता हूँ, सॉफ्ट फूड डालता हूँ। ये आप इसका कलर देख लें, ये बिल्कुल आपको अब क्लियर नज़र आ जाएगा, ये है जी अलसी। ठीक हो गया, अभी आप देखें ये दाने के अंदर मैंने, ये देखें कैप्सूल अभी बीच में पड़े हुए हैं, और ये तकरीबन अभी इसमें 3 किलो टाइप तकरीबन कंगनी होगी। ठीक है, तो आपने इतनी क्वांटिटी हाफ है ये तकरीबन, ठीक है, आपने इसको इसमें डाल के अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसी दाने के अंदर आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। अभी मैं आपको इसकी क्वांटिटी दिखाता हूँ कि ये कितनी रह जाएगी इस 3 किलो में। बिल्कुल चंद दाने जो उनसे हैं वो फिंचिस के पॉट में जाते हैं, ये समझें कि 1-2 पीस भी अगर फिंच डेली के खाए इसके, तो उसके लिए बहुत है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। गरम, बहुत गर्म है, और परों की क्वालिटी, फीडर्स जो जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी। ठीक हो गया जी, ये देखें, ये देखें जी, ये क्वांटिटी आएगी जी आपकी इसकी अलसी की, और ये परफेक्ट क्वांटिटी है, ये देखें। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह डे बाय डे मैं आपको जो है वो बताता जाऊंगा कि इसके अंदर एक दो चीज़ें मैं और ऐड करूंगा, तो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा।